हेलो हाय, नमस्कार दोस्तों। आज हम अपने चैनल पर रिव्यू करने वाले हैं न्यूमोसेट गोल्ड टैबलेट का। जी दोस्तों, इसको न्यूमोसुलाइड एंड पैरासीटामोल टैबलेट के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, आज इस टैबलेट के बारे में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है, इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में, इसकी MRP के बारे में, MRP से कितना कम करके हम इसको खरीद सकते हैं उसके बारे में, और किस प्रॉब्लम में यूज करते हैं उस बारे में दोस्तों आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। इसके डोजेस के बारे में भी आपको बताएंगे, इसको कौन लोग खा सकते हैं कौन नहीं खा सकते हैं इसके बारे में भी पूरी जानकारी मिलेगी दोस्तों। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वागत है आपका हमारे चैनल रिव्यूज़ अड्डा में, और मैं हूँ सोनू राघव। और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना दोस्तों, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आपको पूरी और सही जानकारी मिल सके। तो आइए वीडियो को शुरू करें। पूरी जानकारी लेते हैं न्यूमोसेट गोल्ड टैबलेट के बारे में। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले जब भी मैं अपने चैनल पर रिव्यू करता हूँ, पहली बात तो मैं 2 से 2.5 मिनट का वीडियो बनाता हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना, और मैं बहुत ज़रूरी बात बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं इसके साइड इफ़ेक्ट बताने वाला हूँ दोस्तों। तो हम जान लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में दोस्तों। अगर इसको खाने के बाद आपको घबराहट होती है या लूज़ मोशन की शिकायत होती है, यानी दस्त हो जाते हैं, या खुजली होती है, पेट में दर्द होता है, जी मचलाता है, या कब्ज़ की शिकायत होती है, तो प्लीज़ इसको जल्दी से खाना बंद कर दें, तुरंत खाना बंद कर दें, और अपने डॉक्टर से सलाह लें और उसको बताएं कि हमें यह प्रॉब्लम हो रही है। आइए दोस्तों, अब जानकारी लेते हैं इसके MRP क्वांटिटी के बारे में। ये आप मोबाइल पर देख पा रहे होंगे, 49 रुपीज़ में ये हमको 10 टैबलेट्स मिल जाती हैं दोस्तों। और जैसा मैंने शुरू में बताया था कि हम इसको कम करके कैसे ले सकते हैं दोस्तों, अगर हम उनसे बार्गेनिंग करते हैं तो हर दवाई पर पैसा कम हो जाता है और दवाइयाँ सस्ती आती हैं दोस्तों। तो ये मैं भी 35 रुपीज़ का लेके आता हूँ, मतलब 14 रुपये मुझे 10 गोलियों पर कम करके ये मिल जाता है दोस्तों। तो आप भी ले सकते हैं बार्गेनिंग करके। और गाज़ियाबाद मोहनगर एरिया में है तो हमारे एक जानने वाले भैया हैं, मैंने उसका भी एक रिव्यू करा हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उनकी शॉप है, वहाँ पर तो सस्ती दवाई मिल ही जाती है दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और अब मैं बहुत ज़रूरी और महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ दोस्तों इस टैबलेट के बारे में, कि इसे बच्चों को बिल्कुल ना दें। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो बच्चों को इस टैबलेट को बिल्कुल ना दें। हार्ट के पेशेंट होते हैं, हार्ट के मरीज हैं, तो उनको भी बिल्कुल ना दें दोस्तों। अगर देनी है तो डॉक्टर की सलाह लेकर ही दें दोस्तों। और दोस्तों, जानकारी ले लेते हैं इसके कॉन्टेंट के बारे में। कॉन्टेंट जो होता है इसमें न्यूमोसुलाइड 100 mg और पैरासीटामोल 325 mg होता है दोस्तों। जो कि पैरासीटामोल है वो फीवर और दर्द में काम आता है, और जो न्यूमोसुलाइड है वो पेन है, पेन जो होता है हमारे दर्द में काम आता है। तो दोस्तों, ये इसके कॉन्टेंट के बारे में जानकारी होगी दोस्तों। अब इसके जो फ़ायदे हैं, इसको हम किन किन प्रॉब्लम में यूज़ करते हैं वो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। जैसे सूजन और दर्द है, मान लो आपको गुम चोट लगी है, उसमें सूजन हो गई है और दर्द है, तो उसमें आप इसको ले सकते हैं दोस्तों। मांसपेशियों में दर्द है, उसमें आप इसको ले सकते हैं दोस्तों। पीठ में दर्द है, दांत में दर्द है, कान में दर्द है, गला में दर्द है, साथ में अगर बुखार भी है तो बहुत ही लाभदायक है दोस्तों, क्योंकि इसमें पैरासीटामोल भी होता है दोस्तों, और आसानी से हर मेडिकल स्टोर पर मिल जाता है, आप इसको आराम से ख़रीद सकते हैं। और दोस्तों, जान लेते हैं इसके डोजेस के बारे में दोस्तों। तो इसको खाना खाने के बाद एक टैबलेट हम ले सकते हैं, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो 2 टाइम ले सकते हैं, वरना 1 टाइम ही इसको लेना है। ओवरडोज बिल्कुल ना लें, क्योंकि पैरासीटामोल टैबलेट जितनी भी आती हैं वो हमारे लीवर के लिए अच्छी नहीं होती हैं, मजबूरी में हमको खानी पड़ती है दोस्तों। ओवरडोज बिल्कुल ना लें, अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले लें दोस्तों, और बच्चों को ये टैबलेट बिल्कुल ना दें। और हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी दोस्तों, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और नए नए प्रोडक्ट के या नए नए टैबलेट के बारे में सही और अच्छी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।